हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तस्वीर और इस वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूँ मैं। घबराना नहीं है ऑफिशियल ट्रेलर पर। पाकिस्तान में यार एक से एक मूवी आने वाली है, मतलब ईद उल फितर पर बहुत कुछ कंटेंट बनाकर रखा हुआ है पाकिस्तान में, जो कि रिलीज़ होने वाला है ईद उल फितर पर। ईद पर, इसी ईद पर बहुत कुछ आने वाला है। तो इसमें सबा कमर हैं, जाहिद अहमद हैं। इस ट्रेलर को देखते हैं, बाकी बात इससे रिलेटेड हम बाद में करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। शुरू से शुरू करते हैं। करो करो। अपने रिटायरमेंट के दिन अब्बा बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी के दो बड़े ख्वाब जो पूरे होने जा रहे थे, इकलौती बेटी की शादी, अच्छा, और हमारा अपना घर। हीरो है या विलन? जी छापा पड़ गया, बैठ जाओ, मैं इधर ही आपके लिए। छापा पड़ गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ शराब नोशी और जुआ जुर्म है। ओहो, लीगल नोटिस लाए हैं ये भाई मियां के खिलाफ। अगर अदालत में ये हमारी पेशी हुई, इनको देखा मैंने, पहली बार गाल तेरा होगा सिपा सलार। तगड़े विलन रहते हैं। एक्टिंग का सबसे पहला उसूल घबराना नहीं, और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं। घबराना नहीं है, इमरान खान का डायलॉग। आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अरे लानत भेजता हूँ मैं रिश्वत पर। सर, अब दिल से नहीं कह रहे, तू हौसला रख। सर फिलहाल हमें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं है। हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं, सर्दियाँ अकेले नहीं गुजरती, मगर दिल तुझे दिया है ना, तो शेरवानी भी तेरे नाम की पहनेगा विकी। क्या बात है, तेरे नाम की बिगाड़ लेगी उसका। बेटी है, बेटा होता तो जाके लड़ भी लेता उनसे। यूनिफॉर्म के काबिल नहीं, या तो ये यूनिफॉर्म उतार दो या अपने घर से आना। अब बदलेगा सीन। क्या ये वही थी सभा? अबे चुप कर जा, तुम्हारी में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन फ्रेंडशिप जिंदाबाद। कुल मिला के ट्रेलर तो अच्छा था, एंटरटेनमेंट था, फाइट थी, एक्शन था, ड्रामा था, लव स्टोरी थी, लेकिन यार शॉकिंग बहुत था, क्योंकि सवा कमर ही थी ना। मैंने अभी पूछा था ट्रेलर देखते हुए आप लोगों से कि क्या वो सवा कमर हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, यानी कि जो वो पुलिस वाला बंदा है वैसा कुछ सीन होने वाला होता है, लव स्टोरी वाला सीन बनने वाला होता है, लेकिन वो जो विलन के पाले में गिर जाती हैं जाकर, वो क्या सीन है यार? सवा कमर उधर क्यों चली जाती हैं, किस लिए चली जाती हैं, क्या चाल है? बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाला सीन और शॉकिंग सीन डाल दिया था इसमें। अगर ऐसा ही है तो वाकई में यार तगड़ा है। पुलिस स्टेशन में बैठी हुई होती हैं साड़ी वाड़ी पहनकर, क्या सीन है आखिर? तो ऐसी ही कुछ कहानी है इसमें, तगड़ा विलन, जालिम विलन दिखाया गया है इसमें, और जो कि लड़की के फादर से पंगा हो जाता है। तुम लड़की हो, लड़का होती तो कुछ कर भी सकता था, ऐसा कुछ डायलॉग भी सुनने को मिला इसमें। शेरवानी पहनूंगा तो तेरे नाम की पहनूंगा, ये भी डायलॉग था इसमें। एंड बहुत कुछ कहता है ये ट्रेलर, घबराना नहीं है। एक्टिंग का पहला रूल बता रहे थे, घबराना नहीं है, इमरान खान का डायलॉग। ओवरऑल फन से भरा हुआ था, एंटरटेनमेंट था इसके अंदर। पाकिस्तान में अच्छी अच्छी मूवीज़ आने वाली हैं, आई थिंक बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन रिलीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ट्रेलर, सॉन्ग्स आने वाले हैं, आ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी किसी में भी, मतलब जो भी आ रही हैं, जो भी कंटेंट आ रहा है मूवीज़ से रिलेटेड, ट्रेलर हो, टीज़र हो, गाने हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, हम लोग साथ मिलकर एंजॉय करेंगे, रिव्यू करेंगे उसके बारे में, कौन सी अच्छी है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है। बाकी इस वीडियो के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में कहूँगा कि एंटरटेनमेंट से तो भरपूर है, लेकिन शॉक्स भी दे रही है भाई ये, और काम अच्छा लग रहा है इसमें। सिनेमेटोग्राफी जो है वो अच्छी लग रही है, एक ड्रामा घर का, कि पापा के रिटायरमेंट के बाद
शादी होनी है, दो काम होने हैं, शादी होनी है, तो वैसा कुछ सीन इसमें देखेंगे कि पाप रिटायर हो जाएंगे, बेटी की शादी कराने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन वहीं ट्विस्ट आएगा कि कहानी किधर जाएगी, विलन की तरफ जाती हुई मुझे इसमें दिखाई दी है, बाकी हीरो क्या करेगा, फिर जो कहानी हीरो से टूटेगी वो विलन की तरफ जाएगी, क्या होगा इस मूवी के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इस ट्रेलर के बारे में कैसा लगा आपको। मुझे तो ठीक लगा, ड्रामा मूवी है और कॉमेडी भी है इसमें, चाइना पाक की दोस्ती को जिंदाबाद बता रहे थे ये, तो एंटरटेनमेंट तो था। कमेंट सेक्शन में बताइए बाकी अपनी राय। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।